बस अस्सलाम वालेकुम बच्चों बच्चों, आज हम नया चैप्टर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका बच्चे नाम है द सेल। तो इस चैप्टर में हम बच्चे सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम देखेंगे सेल चीज क्या है, किन स्ट्रक्चर्स का मिलके बनता है। हम सेल की मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के केसेस में हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सेल के मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे, साइटोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे, एंड न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म को, क्लोरोप्लास्ट को, सेंट्रियोल्स को, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं एक सेल के अंदर, इन सबको हम डिस्कस करेंगे, इनकी लोकेशन को डिस्कस करेंगे, इनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट तरीके से हम एक सेल को पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो बच्चे, अगर चैप्टर का नाम होता सेल, तो पहली बात तुम्हें सेल के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडली, हमें सेल की थोड़ी हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए कि सेल देखा किसने, सेल को जाना किसने, वो कौन था जिसने कहा कि इस स्ट्रक्चर को सेल कहना चाहिए, सेल को हमने किस बुनियाद पे, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा, ये सब चीजें और इसकी एवोल्यूशन और सेल का बैकग्राउंड हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का। बच्चे, जो सबसे पहला टॉपिक है वो बच्चे सेल थ्योरी, एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। सेल को स्टडी करते हुए, सेल को किसी ने देखा, जाना, पहचाना, इसको डिस्कस करते गए, इसकी प्रॉपर्टीज देखते गए, इसके करेक्टर्स देखते गए। इस बुनियाद पे 150-200 सदी का अमल चला, जिसके बाद एक कंप्लीट सेल के बारे में 3 पॉइंट्स कहे गए, सेल को बयान करने, जिसको हमने नाम दिया था बच्चे सेलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। तो आज हम इस सेल थ्योरी की फॉर्मेशन को पढ़ने जा रहे हैं कि ये फॉर्म कैसे हुई, सेल थ्योरी जो आज हम पढ़ते हैं ये इमर्ज कैसे हुई, इसका स्टार्ट कहां से हुआ था और अहतमाम कहां पे हुआ। तो बच्चे, स्टेप वाइज हम साइंटिस्ट को पढ़ेंगे, कुछ बोटनिस्ट, कुछ जूलॉजिस्ट, कुछ के साथ हमें डेट्स बताएगा, कुछ के साथ वो हमें उनका प्रोफेशन बताएगा, कुछ के साथ वो उनकी कंट्री भी बताएगा। तो हमें डिफ्रेंशिएट भी करना है, डेट्स को भी याद रखना है, बोटनिस्ट जूलॉजिस्ट को भी याद रखना है, और अगर किसी कंट्री गिवन है उसको भी याद रखना है। इन एडिशन टू इट, जो मेन बात है, जो काम जो उन सेल को पहचानने में अपना रोल अदा किया, किरदार अदा किया, हमें उसको भी पढ़ना है। तो आइए बच्चे चलते हैं सेल थ्योरी की तरफ। Emergence of the cell theory. Study of cell biology began with the discovery of the cell by Robert Hooke in 1665, who reported his work in his famous publication Micrographia. सबसे पहली बात तो बच्चों, मैं इस लाइन में बता रहा है कि what is cell biology? द स्टडी ऑफ सेल, इट्स ऑर्गेनेल एंड इट्स फंक्शन इज नोन एज सेल बायोलॉजी। सिंपल अल्फाज में बच्चे, जो सेल की कंप्लीट स्टडी है उसको बच्चे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो कहता है सेल बायोलॉजी या सेल थ्योरी का आगाज कब हुआ? वो तो कहता है इसका आगाज होता है 1665 में, जब
एक बच्चे साइंसदान जिसका नाम रॉबर्ट हुक है, वो देखता है, जानता है, पहचानता है सेल्स को। वो सेल्स को देखता है और सेल्स के बारे में जो भी उसकी स्टडी है वो उस स्टडी को पब्लिश करता है। बच्चे उस स्टडी को अपनी एक बुक, अपने एक मैगजीन में पब्लिश करता है। उस मैगजीन का नाम रखता है माइक्रोग्राफिया। क्यों बच्चे? इसकी रीजन भी हमें आगे बताएगा कि इस माइक्रोग्राफिया नाम रखने के पीछे रीजन क्या थी। असल में रॉबर्ट हुक ने बच्चे किया क्या था, इसने जो एक लकड़ी का पीस होता है बच्चे, अ कॉर्क, जिससे हमने हमारे पिछले जो बियर कैंस होते थे उनको बंद किया जाता था, उसके एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके एक लॉन्गिट्यूडनल एरिया को इसने कट किया और उसको अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, जो कि इसका खुद बनाया हुआ था, उसमें इसने उसको ऑब्जर्व किया। इसने देखा जैसे बिल्कुल शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, इसको वैसे स्ट्रक्चर्स, खाली एम्प्टी कंपार्टमेंट्स नजर आए ढेर सारे। तो आइए बच्चे पढ़ते हैं। वो कहता है स्टडी ऑफ सेल बिगन्स इन 1665 व्हेन रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड हिज फेमस मैगजीन माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक टुक सेल रॉबर्ट हुक सेड दैट सेल इज एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल। रॉबर्ट हुक के मुताबिक जब उसने एक कॉर्क के पीस को, एक लकड़ी के छोटे से पीस को अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया था, तो उसको जो एक इमेज मिला वो ऐसा था कि ढेर सारे कंपार्टमेंट्स है, अब बिल्कुल जैसे बच्चे हनी बी का छत्ता होता है और वो एम्प्टी है, साइड बन के बाउंड्री वॉल है। तो उसने कहा कि सेल्स आर द एम्प्टी कंपार्टमेंट्स सराउंडेड बाय थिक वॉल्स। अब ये सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को क्यों नहीं देख पाया था, इसको और एनालाइज क्यों नहीं नजर आए? क्योंकि बच्चे जो ये माइक्रोस्कोप यूज कर रहा था, लाइट माइक्रोस्कोप, वो उसकी एबिलिटी से बाहर था, उसकी मैग्निफिकेशन और उसकी रेजोल्यूशन पावर से बाहर था। वो सिर्फ सेल की बाउंड्रीज को दिखा सका, सेल को ऊपर ऊपर से दिखा सका, उसकी अंदर डिटेल से नहीं देख सका। उसको लिमिट किसने किया? उसके यूज करदा लाइट माइक्रोस्कोप ने, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। तो जो उसने देखा उसने उसके मुताबिक स्टेटमेंट दे दी अपनी बुक माइक्रोग्राफिया। माइक्रो मतलब छोटा, ग्राफिया बच्चे फोटोग्राफ से आप ले सकते हैं और फोटो। तो उसने कहा सेल आर द टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स विच आर सराउंडेड बाय थिक वॉल्स। तो रॉबर्ट हुक के मुताबिक तो ये डेफिनेशन बन गई। क्यों? क्योंकि उसके नॉलेज के मुताबिक सेल वैसा ही दिख रहा था। ये पहला बंदा था इन 1965 जिसने सेल के डिस्कशन को शुरू किया था। ही वॉज द पायनियर। तो जैसे बच्चे केमिस्ट्री में हम देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल गलत तो साबित हो गया था, पर आज तक उसका नाम जिंदा है। क्यों? क्योंकि ही वॉज द पायनियर फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इट्स सब पार्टिकल्स। तो बिल्कुल इसी तरह इसका नाम भी आज तक इसलिए मौजूद है क्योंकि इसने सेल का जिक्र किया था। इसने तब तक सेल्स को नाम नहीं दिया था, इसने कहा तो कुछ टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स हैं जो थिक वॉल से सराउंड किए हुए हैं। आगे चलते बच्चे। अब वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन वॉज एडेड टू हिज आइडिया इन द फॉलोइंग सेंचुरी। बच्चों कहते हैं अगले कुछ सदियों तक लोगों ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, उसकी बात पे किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं, किसी ने रिसर्च नहीं की। तो सेल एक ढका छुपा टॉपिक रहा, एक
साइंसदानों में टॉपिक ऐसा होता है जो बहुत अरूज पाता है, जो बहुत ज्यादा डिस्कस होता है, तो ये उस चीज में नहीं था। कुछ अगली सदी तक टिल कब तक बचे, 19 सेंचुरी तक। तो अगला साइंसदान देखते हैं, उसके काम देखते हैं। ही प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क अंडर हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। जो बिल्कुल बच्चे हम रॉबर्ट हुक के बारे में बात करेंगे, उसने अपना खुद बनाए हुए लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया बच्चे उस टाइनी लिटिल कॉर्क को। ही ऑब्जर्व दैट कॉर्क इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स विच ही टर्म्ड एज सेल। वो कहता है उसने लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जब कॉर्क को देखता तो वो क्या देखता है, क्या ऑब्जर्व करता है कि उसको हनीकॉम्ब जैसे कंपार्टमेंट नजर आते हैं, जो अंदर से तो खोखले हैं, अंदर से तो एम्प्टी हैं, पर उनके साइड में वॉल्स मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू हुक सेल इज एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल्स। रॉबर्ट हुक के मुताबिक सेल एक एम्प्टी कंपार्टमेंट है जिसकी थिक बाउंड्री है, जिसके थिक वॉल्स है। एंड स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी लॉरेंस ओकन इन 1805। बच्चे पहली डेट थी 1665। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं बच्चे 1665 को? तो बच्चे जो 1665 है, इसको आप इन कॉन्टेक्स्ट टू सिर्फ याद रखने की नियत से 1965 की वॉर से रिलेट करके याद रख सकते। अब बच्चे 1805 में लॉरेंस ओकिन आए। अब देखते हैं उनने क्या काम किया। लॉरेंस ओकिन इन 1805 अ जर्मन साइंटिस्ट। रॉबर्ट हुक के बारे में उसने उसकी कंट्री का नहीं बताया था, सिर्फ उन्होंने बताया कि डेट विच वाज 1665 एंड हिज नेम रॉबर्ट हुक। जबकि लॉरेंस ओकिन के बारे में उसने पहले उसकी डेट बताई विच वाज 1805, फिर वो बता रहे एक जर्मन साइंटिस्ट है। इसने स्टेटमेंट बड़े मजेदार दी, देखते हैं इसने क्या स्टेटमेंट दी। He believed that, उसका यकीन था, उसका मानना था किस बात में, all living beings originate from or consist of vesicles or cell। उस लॉरेंस ऑकिन का ये मानना था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये या तो सेल्स या वेसिकल, कोई भी बच्चे गोल चीज सेल से रिलेटेड वेसिकल। वो कहता उसका ये मानना था कि या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के कंपोज हुए हैं। अब बात देखिए बच्चे, उसका कहने का मतलब यह था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स या वेसिकल्स के बने हुए हैं। ही सेड ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट, या तो वो सेल से ओरिजिनेट करते हैं जिनका ओरिजिनेशन है, जिनका पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन अगर एवोल्यूशन में पीछे जाए, या एक लिविंग बीइंग मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहां से डिवेलप होता है, जिसका बेसिक यूनिट है वो क्या बच्चे सेल। उसने कहा या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होंगे सेल से और कंसिस्ट ऑफ सेल, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ओरिजिनेट होंगे या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के कंसिस्ट करेंगे, दे विल मेड अप ऑफ सेल। तो इसकी थी बच्चे दो बातें, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होंगे मींस दे विल कंसिस्ट ऑफ सेल्स, और दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम सेल्स और वेसिकल्स। इसके बाद बच्चे आता है साइंसदान जीन बैप्टिस्ट डिलेमार्क 1809 में। अब देखते हैं वो अपने ख्यालात के मुताबिक क्या कहता था। कहता है लॉरेंस ओकिन जो कि जर्मन साइंटिस्ट था, उसके बाद 1809 में एक साइंटिस्ट रहता है जीन बैप्टिस्ट डिलेमार्क,
Jean Baptiste de Lamarck in 1809 expressed a similar idea and said, "Nobody can have life if its components parts are not cellular tissues are not formed by cellular tissues." बच्चे वो कहता है जो जीन बैप्टिस्ट डिलेमार्क है इसने को स्टेटमेंट दे विच वाज सिमिलर टू द स्टेटमेंट ऑफ लॉरेंस ऑकिन. ये कहते हैं कि लाइफ इम्पॉसिबल है या वो कहता है कि वो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, वो सरवाइव कर ही नहीं सकता अगर उसके कंपोनेंट्स मतलब उसके जिस्म के बॉडी पार्ट्स या तो सेल के ना बने हो या फिर सेलुलर टिश्यू के ना बने हो. सेलुलर टिश्यू बच्चे किस चीज के बने होंगे? ऑब्वियसली सेल्स के. तो इसका कहने का मतलब ये था कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा उस वक्त तक नहीं कह सकते या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस वक्त तक वजूद में नहीं आता जब तक कि उसके हिस्से उसके कंपोनेंट्स सेलुलर टिश्यूज के बने नहीं होंगे या तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेलुलर टिश्यूज का हिस्सा होंगे. जैसे बच्चे मसल्स हैं, मसल्स टिश्यू के बने हैं ना. तो कहते हैं एट द एंड नो बॉडी कैन हैव लाइफ. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम उस वक्त तक लिविंग नहीं कह सकते इफ इट्स बॉडी पार्ट्स are not a cellular tissue, अगर उसके body part cellular tissue नहीं है तो, या फिर are not formed by cellular tissue, या तो वो cellular tissue को हो या फिर उनके जिस्म के जो अज्जा है वो cellular tissue के बने हो, तो तब जाके हम किसी को कहेंगे ये living organism है. ये concept बच्चे किसने दिया था? अब बच्चे जीन बैप्टिस्ट के बाद आता है सर बच्चे रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. ये वो बंदा था जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इन द सेल. ही वाज द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट न्यूक्लियस इन द सेल. इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल. तो कहता है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस किया, बताया कि सेल में न्यूक्लियस भी पाया जाता है. ड्यू टू हिज डिस्कवरी हुक्स आइडिया अबाउट द सेल एज एन एम्प्टी स्पेस वॉज चेंज्ड. बच्चे रॉबर्ट हुक 1665 में जिसने कहा था सेल आर एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, तो 1831 में जब उसके आधे हमनाम ने कह लें रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की प्रेजेंस का जिक्र किया तो इस बात के साथ जो रॉबर्ट हुक का कॉन्सेप्ट था कि सेल एम्प्टी है वो बात खत्म होगी, फिनिश होगी, वो बात रिजेक्ट होगी. तो रॉबर्ट हुक की बात 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस गलत साबित कर दी थी, क्योंकि रॉबर्ट हुक कह रहा था कि न्यूक्लियस सॉरी सेल तो एक एम्प्टी कंपार्टमेंट है. इट वॉज लेटर एस्टेब्लिश्ड दैट सेल इज नॉट एन एम्प्टी स्पेस. तो कहता बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस का बताया, इसके बाद की स्टडी से हमें पता चला कि न्यूक्लियस के अलावा और मजीद बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं सेल में. अब बच्चे जा रहे हैं हम 1839 की तरफ. हम एक जर्मन जूलॉजिस्ट के काम की तरफ जा रहे हैं. आइए देखते हैं इस साइंटिस्ट ने क्या काम किया. कहते हैं अ जर्मन जूलॉजिस्ट. जर्मन बच्चे भी हमारे पास दो हो गए, एक लॉरेंस ऑकिन और एक बच्चे अभी जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं. अ जर्मन जूलॉजिस्ट ट्यूडोर श्वान इन 1839
एंड अ जर्मन बोटनिस्ट श्लाइडन इन 1838 वर्किंग इंडिपेंडेंटली केम आउट विद द सेल थ्योरी कॉल्ड द मेजर सेल थ्योरी। वो कहता है 1838 में एक जर्मन बोटनिस्ट जिसका नाम अच्छे श्लाइडन, और उसके एक साल बाद एक जर्मन जूलॉजिस्ट है जिसका नाम है बच्चे थियोडोर श्वान, इन दोनों ने सेल थ्योरी की कहले बेस रखी। दोनों जर्मन थे, एक जूलॉजिस्ट कौन बच्चे थियोडोर श्वान एंड जर्मन बोटनिस्ट श्लाइडन, इनने सेल थ्योरी की बेस रखी। मैं को पहला सेल थ्योरी का पॉइंट प्रोवाइड किया। असल में हुआ क्या, इन दोनों ने जो बोटनिस्ट है श्लाइडन, इसने प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन प्लांट्स को कंफर्म किया, जबकि थियोडोर श्वान ने जो एविडेंस है रॉबर्ट ब्राउन की बात का वो प्रोवाइड किया, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन एनिमल सेल को इसने कंफर्म किया था। मजीद बच्चे आगे चलते हैं। दे फाउंड दैट अ सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक पार्ट्स विच इज अ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड आउटर थिन कवरिंग नॉन एज सेल मेम्ब्रेन। अब वो कहते हैं बच्चे इन दो जर्मन जूलॉजिस्ट और बोटनिस्ट का हम नाम इतने इम्पोर्टेंट से क्यों ले रहे हैं, तो वो कहता है कि इन दोनों का काम ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या काम बच्चे, वो कहता है कि जो थियोडोर श्वान है इसने बच्चे प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस को कंफर्म किया, और जो श्लाइडन इसने 1838 में प्लांट के सेल में न्यूक्लियस ऑफ प्रेजेंस को कंफर्म किया। वो कहता है इनने एक बेस बनाई सेल थ्योरी की, इनने सेल के बारे में तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई। पहली बात इनने बताया सेल में न्यूक्लियस मौजूद है, दूसरी बात इनने कहा सेल को एक फ्लूइड टाइप मटेरियल, जो सेल का जो न्यूक्लियस है उसको एक फ्लूइड टाइप मटेरियल सराउंड कर रहा है, सेल के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक फ्लूइड टाइप मटेरियल मौजूद है जिसको उसने नाम दिया बच्चे साइटोप्लाज्म का। ये काम दोनों मिलके कर रहे हैं, थियोडोर श्वान और श्लाइडन, एक जर्मन बोटनिस्ट है एक जर्मन जूलॉजिस्ट है। इन दोनों का सेल में न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक फ्लूइड सब्सटेंस है जिसको बच्चे नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। लास्ट में कहते हैं साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द एक थिन मेम्ब्रेन है जो सेल के सारे मटेरियल को अपने अंदर इनक्लोज कर रही है, उसके ने नाम दे दिया बच्चे सेल मेम्ब्रेन का। आगे चलते हैं बच्चे, द सेल वॉल सेड वॉज, अब ने सेल वॉल का भी जिक्र किया, कहते हैं द सेल वॉल इज द एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो इन्हें तीन स्ट्रक्चर बताए, चौथा स्ट्रक्चर जो एक्सेप्शनल केस है विच इज ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल, दैट इज सेल वॉल। तो इन्हें कहा था जो पहले तीन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाए जा रहे हैं, ये तीन बेसिक स्ट्रक्चर हर सेल में होंगे। और उन्होंने कहा इन केस ऑफ प्लांट सेल एक और एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग होगी सेल के बाहर जिसको इन्हें नाम दिया सेल वॉल का। कीपिंग इन व्यू दिस डेफिनेशन ऑफ सेल, द सेल्स कुड बी ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी All living organisms are composed of cell and cell products. कहते हैं कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम बच्चे कह सकते हैं कि जो एनिमल सेल है
जो एनिमल है वो भी सेल का बना हुआ है और जो प्लांट है वो भी सेल का बना हुआ है। इनने एक छुपे अल्फाज में सेल थ्योरी का पहला पॉइंट हमें दिया था जो कि बच्चे मैं रीड कर रहा हूं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इनके मुताबिक बेशक कोई प्लांट है कोई एनिमल है सब के सब सेल के बने हुए हैं। तूने एक स्टेटमेंट दी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। या तो सेल के बने होंगे या फिर वो जिस भी चीज के बने हुए हैं वो सेल के प्रोडक्ट से मतलब के ज्यादा सारे सेल इकट्ठे होकर वो चीज बना रहे हैं। इन्हें बिल्कुल दुरुस्त बात की थी, अब बिल्कुल ऐसा ही था। अब बच्चे हम नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ जा रहे हैं, रॉल्डॉर्फ वेचो की तरफ। 1855 में इसका बच्चे जिक्र आता है, तो इसकी स्लाइड की तरफ भी साथ चलते हैं। रॉल्डॉर्फ वेचो, अब बच्चे था 1855 का। फिर एक जर्मन फिजिशियन आता है, जर्मन्स का तो बहुत काम नहीं हो गया सेल थ्योरी में, लोरेंज़ ऑपकन भी जर्मन, थियोडोर श्वान भी जर्मन, और वो जर्मन जूलॉजिस्ट था। उसके बाद बच्चे श्लाइडन भी जर्मन बोटनिस्ट। तो अब बच्चे आता है 1855 में, रोडोल्फ वेचो एक जर्मन फिजिशियन। आइए देखते हैं ये क्या फरमाते हैं। रोडोल्फ वेचो इन 1855 अ जर्मन फिजिशियन हाइपोथाइज। हाइपोथाइज का मतलब बच्चे इसने एक आइडिया दिया, इसने पक्की बात नहीं की, इसको पक्की बात भी यकीन था कि ऐसा हो सकता है। ही प्रपोज्ड एन हाइपोथाइज दैट न्यू सेल्स वर फॉर्मड ओनली बाय डिविजन्स इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात और सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट किसने हमें प्रोवाइड किया बच्चे, रोडोल्फ वेचो ने। कब? 1855 में। ही वाज अ जर्मन फिजिशियन। रोडोल्फ वेचो साहब कहते हैं कि एक नया सेल कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैसे प्रोड्यूस होगा। कहते हैं कि नया सेल हमेशा एक ही सिचुएशन है, वो पिछले previously existing cell से originate होगा। He says all new cells were formed, तमाम के तमाम नए cells बनते हैं या बनेंगे only by division। सिर्फ एक ही सूरत है नए cells के originate होने का, नए cells के बनने का, that only by the divisions of previously existing living cells। जो पहले से मौजूद लिविंग सेल्स है उनमें डिवीजन से नए सेल बन सकते हैं, ना कि नॉन लिविंग से। पहली बात कि नए सेल्स कहां से ओरिजिनेट होंगे, कहां से प्रोड्यूस होंगे, बाय द डिवीजन इन द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। और एक और शर्त रख दी कि जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो लिविंग होने चाहिए। तो उसने स्टेटमेंट दी कि ऑल लिविंग सेल्स या फिर अ न्यू सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। पहले से एक जिंदा सेल में डिवीजन होने से एक नया सेल प्रोड्यूस होता है। इसको उसने अपनी जर्मन लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस किया बच्चे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसने अपनी लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट दी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है कि नए सेल प्रोड्यूस होते हैं बाय द डिविजन्स इन द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। अब लुईस पाश्चर ने इसकी इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ ये आइडिया प्रपोज किया था, रोडोल्फ वेचो ने हाइपोथाइज किया था, सिर्फ ये आइडिया पेश किया था, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसके पास नहीं था। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कौन देता बच्चे, लुईस पाश्चर। इट वाज कॉन्ट्रेरी टू आइडिया ए बायोजेनेसिस। क्योंकि पहले बच्चे एरिस्टोटल के जमाने से लोगों का ये मानना था
लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ओरिजिनेट हो गए थे। जैसे बच्चे पहले नॉलेज की कमी थी, इंफॉर्मेशन की कमी थी, तो आप अक्सर देखेंगे पत्थर अगर उठाएं, कोई पुराना पत्थर है उसके नीचे से आपको कोई ना कोई इंसेक्ट मिल जाएगा। तो लोगों का ये मानना हो गया कि इंसेक्ट वहां से प्रोड्यूस हुआ उस पत्थर के नीचे, चूंकि पत्थर एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है, तो लोगों का ये मानना था कि लिविंग थिंग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको हम आइडिया कहते थे बच्चे बायो, सॉरी ए बायोजेनेसिस का। ए मतलब नहीं बायोजेनेसिस, मतलब कि जो लिविंग थिंग्स से चीज बनेगी। तो इसने लुईस पाश्चर, सॉरी रोडोल्फ वर्च्यू ने इस आइडिया को रद्द किया, इस ए बायोजेनेसिस के आइडिया को रोडोल्फ वर्च्यू ने रद्द किया था बच्चे। लिविंग थिंग्स अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि ए बायोजेनेसिस कहता था। कहता है लुईस पाश्चर इन 1962 वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स सप्लाई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ अ लॉर्ड ऑफ वर्च्यू हाइपोथेसिस बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया कुड बी फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। अब बच्चे आते हैं लुईस पाश्चर पे, पता है 1962 की। लुईस पाश्चर को जैसे न्यूटन का नाम फिजिक्स में बहुत चमकता है धमकता नाम है, इस तरह लुईस पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये दो नाम बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। खास करके बच्चे लुईस पाश्चर, इसको माइक्रोबायोलॉजी का फाउंडर फादर भी कहा जाता है। तो बच्चे वो कहते हैं इसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड किया किसकी बात का, और रॉड ऑफ वर्च्यू कैसे, किसने शो किया जो बैक्टीरिया है वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग बैक्टीरिया से ही प्रोड्यूस होता है। विदाउट इट बैक्टीरिया कैन नॉट बी प्रोड्यूस। तो उसने प्रोवाइड किया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये प्रीवियसली एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से ही प्रोड्यूस होता है, ओरिजिनेट होता है। अब बच्चे मजीदा के चलते मैंने आपको ये भी बता दिया कि लुईस पाश्चर का बायोलॉजी में बहुत एक बड़ा नाम है, बायोलॉजी का लुईस पाश्चर। ओरिजिनल सेल थ्योरी एंड वर्च्यू हाइपोथेसिस गेव अस अ बेसिस फॉर द वर्किंग डेफिनेशन ऑफ लिविंग थिंग्स देमसेल्व्स। अब बच्चे वो कहता है लुईस पाश्चर और रॉड ऑफ वर्च्यू का जो इनकी स्टेटमेंट है, उनके एविडेंस है, इसके मुताबिक में एक बात तो वाजह होगी कि लिविंग सेल, लिविंग थिंग्स लिविंग सेल्स की बनी होगी और न्यू सेल्स कहां से प्रोड्यूस होंगे, प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से। अब बच्चे आगे चलते हैं 1880 में ऑगस्ट वाइजमैन की तरफ। ऑगस्ट वाइजमैन इन 1880 सेड ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल्स हैव अ कॉमन ओरिजिन बिकॉज दे हैव बेसिक सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगस्ट वाइजमैन साहब 1880 में आके एक स्टेटमेंट देते हैं कि जितने भी सेल्स हैं, क्या वो प्लांट के सेल है, एनिमल के सेल है, इंसान की किडनी के सेल है, या कार्डिक मसल्स है, या लंग्स के सेल्स हैं, वो कहते हैं सब का ओरिजिन कॉमन है। ओरिजिन कॉमन होने का मतलब है इनके बहुत से स्ट्रक्चर्स, इनके बहुत से सब पार्टिकल जो ऑर्गेनेल्स हैं वो आपस में मिलते होंगे। जैसे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया सब में सेम है, राइबोसोम्स सब में मौजूद है, सब में सेम है, सेल मेम्ब्रेन सबके पास है, न्यूक्लियस सबके पास है। तो उसने कहा था इनका ओरिजिन कॉमन है, उनके स्ट्रक्चर्स भी आपस में मिलते हैं। इट वॉज शोन दैट देर आर फंडामेंटल सिमिलरिटीज इन केमिकल कंपोजिशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर। उसने कहा कि सेल के अगर आप फंक्शन की तरफ देखें तो आपको सिमिलरिटीज मिलेंगे,
अगर आप इसकी फिजिकली अपेयरेंस की तरफ देखें तो आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी, अगर आप इसके ऑर्गेनेल की तरफ देखें तो तब भी आपको सिमिलैरिटी मिलेगी। तो उसने कहा सेल बेसिकली है एक जैसे, पर इनमें वैरायटी बहुत है, ये बहुत वर्सेटाइल है। बड़ी वो प्यारा सेंटेंस बुक में लिखता है, सेल्स आर बेसिकली सिमिलर, वो कहता है सेल तकरीबन एक दूसरे जैसे हैं, बट दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्सेटाइल। वो कहता है सेल दिखने में एक जैसे हैं, काफी सिमिलर है, पर में वैरायटी बहुत ज्यादा है, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्सेटाइल, इनमें डायवर्सिटी बहुत ज्यादा, इनके काम में, इनके फंक्शन में, इनके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा वैरायटी है। सेल इज नॉट ओनली द स्ट्रक्चरल बट ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि बच्चे सेल की डेफिनेशन है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सेल थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स थ्री मेन सेलिंग फीचर। पहला पॉइंट क्या बच्चे सेल थ्योरी का, आइए पढ़ते हैं। All living organisms are composed of one or more cells. तो बच्चे सेल थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट क्या बच्चे, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और मोर देन वन सेल्स। तो कहने का मतलब ये है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने होंगे, सेल के, एक सेल के हो या बेशक एक से ज्यादा सेल के हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब सेल के ही बने होंगे। दूसरा पॉइंट बच्चे, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। तो कहता है कि जो नए सेल है वो हमेशा कहां से एग्जिस्ट करेंगे, कहां से प्रोड्यूस होंगे, फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से। ये बच्चे दूसरा पॉइंट सेल थ्योरी का। तीसरा पॉइंट, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चे तीन पॉइंट्स है, पहला ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, न्यू सेल्स आर अराइज्ड बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स, एंड थर्ड पॉइंट, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। कल मिलेंगे बच्चे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।